गाइज आज की वीडियो में होने वाली है बहुत ही क्यूट क्यूट सी ट्रेंडिंग कोरियन ज्वेलरीज, तो गर्ल्स ये वीडियो जरूर देखना। हाय गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ आप सबकी चहेती गीमा आशी, और आज की वीडियो में ज्वेलरीज होने वाली हैं कोरियन ज्वेलरीज जो इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रही है पूरे इंस्टाग्राम पे। और वो सारी की सारी ज्वेलरीज मैंने मीशो से मंगाई है, और इतनी ज़्यादा सुंदर और वो क्यूट लग रही थी ना, तो मैंने कुछ 24 25 या 26 ज्वेलरीज मंगाई है। अलग अलग होगा, कुछ नेक का होगा, इयर रिंग्स होंगे, ब्रेसलेट्स होंगे, या जो भी कुछ जो बहुत अच्छा कोरियन टाइप में ट्रेंड कर रहा था, तो मैंने मीशो पे कोरियन ज्वेलरीज ही सर्च किया था। और इतने प्यारे प्यारे से ऑप्शंस आए थे ना गाइज, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। तो बहुत सारे पीसेज है, पहन पहन के भी दिखाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं रैंडम जो भी पैकेट मेरे हाथ में आएगा मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसके अंदर क्या होने वाला है। जो मैंने सबसे पहले इयर रिंग है वो आपने देखी है, ये कोरियन काली ड्रॉप इयर रिंग्स हैं। इसमें सिल्वर और गोल्डन दोनों कलर आते हैं, और मैंने ना ये दोनों ही कलर में मंगाए हैं। अभी मेरे पास सिल्वर वाले हैं, गोल्डन आगे आएंगे मैं दिखा दूंगी। 153 रुपीज़ के पड़े गाइस, ये इतने सस्ते मुझे पड़े और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ये ड्रॉप इयर रिंग्स। और अचानक से ही पता नहीं कैसे मैं सबको देख रही हूँ ये पहने हुए। देखो गाइस ये वाले ड्रॉप इयर रिंग्स हैं जो इतने कुछ बड़े साइज़ के ऐसे ड्रॉप बने हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है इंस्टाग्राम पे, सिल्वर गोल्डन दोनों कलर हैं, तो मैंने सिल्वर मंगाए हैं। तो चलो इसको पहन के दिखाती हूँ। देख सकते हो 150 रुपये में कुछ ऐसे इयर रिंग्स आएंगे, ये ड्रॉप वाले इयर रिंग्स कुछ ऐसे लगेंगे सिल्वर कलर के, और पहने में बिल्कुल नहीं पता चल रहा गाइस ये 150 रुपये के मैंने मीशो से लिए हैं। बहुत अच्छा हुआ, ट्रेंडी लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है आप देख सकते हो, और गोल्डन कलर भी है। तो चलो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। गाइज ये है वो गोल्ड वाले इयर रिंग्स जो मैं बोल रही थी कि बिल्कुल सेम ड्रॉप वाले हैं, बस इनका कलर गोल्डन है। जैसे सिल्वर हैं एग्जैक्टली सेम ये वैसे ही गोल्ड में है, बस कलर का ही डिफरेंस है। तो मैंने दोनों कलर मंगा लेते क्योंकि आजकल इतने ट्रेंड में सिल्वर होगा सिल्वर पहनूंगी, गोल्डन होगा गोल्डन पहनूंगी, बिल्कुल सेम है। और इसका प्राइस है 153, गोल्डन वाले 153 हैं और वाले भी ऐसे ही थे, काफ़ी अच्छे हैं। चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइस। जो हमारा नेक्स्ट है ना वो नेक का है, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई पर्ल नेकलेस है। ये सेट ऑफ 2 है, और ये 150 रुपये की दो ऐसी पर्ल वाली चेन है, और बीच में बटरफ्लाई लगी हुई है, और ये इतने अच्छे से पैक होके आया है। और देखो ये है, और जो इसकी बटरफ्लाई है ना ये रेजिन वाली है। पर्ल्स भी बहुत क्यूट हैं और चेन भी बहुत अच्छी है। देखो ये एक चेन है वाइट मोती वाली, और इसमें छोटा सा पिंक कलर का रेजिन का पेंडेंट है। पीछे से आप देख सकते हो ऐसा गोल्ड है, और फ्रंट एक पिंक है और ये ब्लू है। ये दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको पता है कोरियन में ये ऐसे पर्ल वाले नेकलेस कितने ज़्यादा इन है। मैंने अभी स्वेटर पे ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और इन ईयर रिंग्स पर तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी ऐसे लगा के दिखा देती हूँ। ये पहना हुआ ना कुछ ऐसा लगेगा जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी क्यूट सा लग रहा है, पर्टिकुलर ड्रेस के मैचिंग ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। वैसे तो मैं ऐसे पर्ल्स वर्ल्स वाले सेट नहीं पहनती, लेकिन जब कुछ मैच करेगा तो पहनना भी चाहिए, लेकिन अच्छा लग रहा है, मतलब 150 में आपको दो मिल रहे हैं, सही है, नाइस। जो नेक्स्ट है हमारे ट्रेंडी स्टाइलिश हार्ट कोरियन इयर रिंग्स हैं, देख सकते हो ये 120 रुपये के इयर रिंग्स हैं। पिक्चर में कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, काफ़ी डिफरेंट से हैं ये, तो ये आए हैं एग्जैक्टली सेम वैसे ही, ये बिल्कुल सेम वैसे ही इयर रिंग्स हैं, जैसे पूरा केज के अंदर हार्ट और ऐसे ड्रॉप्स लगी हुई हैं। कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम वैसे ही हैं। 120 रुपये के हिसाब से इयर रिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मैंने पहन के भी पूरा दिखा दिया, देखो कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, डिफरेंट से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए ये, और 120 के तो कहीं से कहीं तक भी नहीं लग रहे हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारे हैं। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारी इयर रिंग्स है वो 164 रुपीज़ के, ये क्यूट से हैं मिकी माउस कार्टून वाले इयर रिंग्स, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लग रहे थे, और मुझे था पता नहीं सेम आएंगे कि नहीं आएंगे, कितना बड़ा साइज़ आएगा, तो मैं ऑलरेडी मैंने पहन के दिखा रही हूँ आपको कि ये कैसे से हैं। ऊपर एक राइनस्टोन लगा है, फिर ये छोटा सा क्राउन बना हुआ है, और ये है नीचे हमारा मिकी माउस का फेस, एग्जैक्टली सेम जैसा पिक्चर में दिखाया है ना गाइज, ये बिल्कुल वैसा ही आया है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है 164 रुपीज़ के हिसाब से, बहुत ज़्यादा क्यूट फाइन राइनस्टोन, उसके कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आया ये, थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारी इयर रिंग्स है बहुत ही सुंदर लव हार्ट फ्लावर ट्रेंडी इयर रिंग्स हैं,
कोरियन ईयरिंग्स है, ये भी 132 रुपीस के हैं। कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ना, आप सोच सकते हो एग्जैक्टली सेम ये वैसे ही ईयरिंग्स आए हैं एंड 132 रुपीस के, और इतना फाइन ये ईयरिंग लग रहा है ना, मतलब एक एक छोटी छोटी डिटेलिंग इसकी इतनी फाइन है ना। आप देखो मैंने एक कान में इसको वियर किया हुआ है, ये कितना ज़्यादा सुंदर, छोटा सा, लाइट वेटेड और बहुत क्यूट ईयरिंग लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने सोचा नहीं था जैसा पिक्चर में दिखा है एग्जैक्टली सेम वैसे ही आएगा, और साइज़ भी देख सकते हो इसका कितना है, बहुत सुंदर है। गाइस नेक्स्ट जो हमारा है ना, बहुत ही सुंदर गोल्ड प्लेटेड बटरफ्लाई इंस्पायर्ड एक स्टोन स्टडेड कोरियन कफ देख सकते हो पिक्चर में। एक्चुअली ये मुझे पिक्चर मिली नहीं रही तो मैंने ये छोटी सी पिक्चर लगाई है, ये 214 रुपीज़ का मुझे पड़ा है। मैं दिखाती हूँ ये कैसा आया है। सी गाइस ये कुछ ऐसा आया, ये बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई है, पतला सा कड़ा है, यहाँ एक पर्ल लगा हुआ है। इसको आप ऐसे पहन सकते हो, जितना आपको चाहिए आप उतना इसको टाइट कर सकते हो। ये 214 रुपए का, और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा सुंदर है। एक्चुअली मेरा हाथ बहुत ही पतला है, दो दो है, कुछ भी सही से फिट नहीं होता, तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ कि देखो ये कितना ज़्यादा सुंदर और कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। इसका नाम ही कोरियन हैंड कफ है, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा ये क्यूट सी बटरफ्लाई। चलो अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। इस तरह की ना स्नेक वाले नेकलेस बहुत ज़्यादा आजकल इन है, ये 323 रुपीज़ का स्नेक टाइप का सिल्वर क्रिस्टल मैग्नेट फैशन पता नहीं क्या क्या है ये इसका नाम है। देखते हैं कैसा आया है, पैकेजिंग तो बहुत अच्छी है, गले में साफ पहनेंगे। ओ मैग्नेट इसलिए क्योंकि यहाँ मैग्नेट लगेगा, इस देख सकते हो ये है हमारे सांप का मुँह, ठीक है, और ये पूरा ऐसे फ्लेक्सिबल अपना स्नेक है, और ये आती है नीचे टेल सांप की पूंछ, एक तरफ बिल्कुल वो है क्या कहते हैं स्टडेड स्टोन्स, और ये जहाँ पे भी आपको पहनना है ऐसे मैग्नेट की तरह लग जाएगा। सी ये मैग्नेट है, यहाँ पे आप इसको गले में पहनो और ऐसे ये पहन लिया जाएगा। कितना सिंपल है यार इसे पहनना। मैं तेरी दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, ऐसे बिंदी लगा के मैं नागिन हूँ और मैं डसने आई हूँ, ठीक है गाइस। बहुत अच्छा लगा है मुझे, तो आप भी इसको लेके नागिन बन सकते हो। प्लीज कमेंट में बताना नागिन लग रही हो ना, देखो और ज्यादा आंखें बड़ी नहीं हो सकती मेरी। चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारे बहुत ही प्यारे से 258 रुपीस के ये वाले ईयरिंग्स है, पूरे राइनस्टोन वाले क्यूट कोरियन ईयरिंग्स, इसका नाम ही यही है, और आप देख सकते हो इसमें हार्ट और बो बना हुआ है। अब आपको दिखाऊं, देख सकते हो यहाँ पिंक कलर का हार्ट है ऊपर, और ऐसे यहाँ बो बनी हुई है, और ऐसे नीचे लटका हुआ है सब कुछ, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। मतलब पूरा राइनस्टोन लगे हुए हैं, बहुत अच्छी शाइन मार है, जैसा पिक्चर में दिखा है एग्जैक्टली सेम वैसे ही आया, 260 रुपये का ये है। अब मैं दिखाती हूँ, मैंने इसको एक कान में वियर किया हुआ है, इग्नोर माए गंदे से आज बाल, बहुत बेबी हेयर खड़े हो रखे हैं। देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है, और कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, छोटा सा हार्ट और इतना लाइट वेट है, और बहुत ज़्यादा अच्छा पार्टी वेयर शाइनी सा है, मुझे काफ़ी पसंद आया, जैसा दिखाया है वैसा ही आया है, क्यूट। नेक्स्ट हमारे एक बहुत ही अच्छे ब्रांड के ड्यूप है विवियन वेस्टवुड, ये आप देख सकते हो ये ईयरिंग्स कितने ज़्यादा ट्रेंड में है ये आजकल, क्योंकि ऑब्वियसली ये ब्रांड ही आजकल मुझे लग रहा है ट्रेंड में, आजकल या बहुत पहले से, लेकिन आजकल बहुत लोग इसको वेयर कर रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन आप देख सकते हो, ब्लू है, पीच है, ग्रीन है, ब्लैक है। मैंने सिल्वर मंगवाया, 171 रुपीज़ का आया है, और आप देख सकते हो ये है उसका पूरा ड्यूप, ठीक है। आप देखो कैसा ये है, बिल्कुल उसी तरीके का पूरा लुक है, शेप है, स्टाइल है। अब इतनी दूर से मैंने इसको वेयर किया है, मतलब इतनी दूर से शायद कोई पहचान पाए कि हाँ ये मैंने फेक पहना हुआ है, काफ़ी लोग पहचानने वाले पहचान में जाते हैं वैसे तो, लेकिन ये मुझे काफ़ी क्यूट लग रहा है, बिल्कुल सेम ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा डिसेंट क्लासी लग रहा है। इसलिए मैंने ना एक सिंगल कलर का लिया है कि अगर मैं ग्रीन ब्लू पे जाती हूँ शायद वो अच्छा ना आता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे, पहना हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा है, लाइट वेट है, काफ़ी सुंदर, और 170 रुपये के हिसाब से बिल्कुल बुरा नहीं है। थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारी ईयरिंग है, आप पिक्चर में देख सकते हो, ये गोल्ड प्लेटेड कोरियन स्टाइल फ्रेंच स्टाइल लाइट लग्जरी करके कुछ नाम है इसका, 215 रुपए के ये हैं, और जो मेरे हाथ में आए हैं गाइस एग्जैक्टली सेम वही ईयरिंग्स हो, कितने प्रीमियम लग रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ये। मतलब फ्रंट में तो आपके ये रहेगा, ठीक है, ये बाली वाला स्टाइल देख सकते हो, ब्लैक एंड गोल्डन,
ऐसा रहेगा, बहुत ज़्यादा रिच लग रहा है, लाइट वेट भी है। पीछे बंद करने के लिए ना जो स्टॉपर होते हैं वो पूरा का पूरा एक ही बॉल है, ठीक है, पर्ल बॉल से ये ऐसे बंद होंगे, तो पीछे से ऐसे दिखेगा, फ्रंट ऐसा। और ये बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं दोनों के दोनों, मतलब 215 रुपये के हिसाब से मुझे काफ़ी पसंद आए। देखो पहनने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे पहने हुए, और बैक से पर्ल दिखेगा अगर आपको दिख रहा हो तो, और ये ऐसे लगेंगे। काफ़ी सिंपल, डिसेंट एंड स्टाइलिश, क्लासी, कूल, जो बोलना चाहूँ सब इस पर जाएगा, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मेरी तरफ से तो। नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइज, वो भी एक ज़माना था जब मैं जंबो ईयर रिंग्स ऐसे हूप वाले पहना करती थी। पिक्चर में आप देख सकते हो, बस इस लड़की को देख के ही मैंने मंगाया कि मैंने कहा यार क्या जूम फेस फोटो में कितनी सुंदर लग रही है। 191 रुपीज़ के ही हैं, और आप देख सकते हो एग्जैक्टली सेम ये हूप आए हैं, बीच बीच में पर्ल्स लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। ट्रस्ट मी गाइज, बहुत लाइट वेट है, इतने पर्ल्स लगने के बाद भी हैवी बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। मैं फटाफट से एक वियर करके भी आपको दिखाती हूँ कि लग कैसा रहा है। कुछ इतना बड़ा लगेगा ये मेरे फेस के ऊपर, और ओ गॉड, इतने सालों बाद मैं कुछ इतना बड़ा ऐसे रिंग टाइप का पहन रही हूँ, हूप टाइप का पहन रही हूँ, मुझे इतना अलग लग रहा है अपना फेस, और काफ़ी अच्छा लग रहा है फॉर अ चेंज। इतना बड़ा सा चूड़ा, मेरा हाथ भी पूरा आ जाएगा ऐसे, काफ़ी सही है, बहुत लाइट वेट है गाइस। अगर आपको भी इतने बड़े बड़े ईयर रिंग्स पहनना पसंद है तो आप ये ले सकते हो, बहुत लाइट वेट है एंड 191 रुपीज़ के हिसाब से वर्थ इट है, क्लासी हैं, थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ, कोरियन चीज़ों की बात हो रही है तो क्यूट चीज़ें तो अपने आप ही आके जुड़ जाती हैं। आप ये देखो, क्यूट टेडी शेप ईयर रिंग स्टाइल स्टड्स हैं फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स, 162 रुपीज़ के। ये इतने प्यारे टेडी बेयर वाले ईयर रिंग्स थे ना, तो मैंने सोचा क्यों ना एक टेडी बेयर मैं अपने लिए भी ले लेती हूँ। और ये जो आई है ना गाइस, ट्रस्ट मी, क्या मतलब इतने फिनिशिंग से क्यूट से टेडी बेयर्स बने ना, लग ही नहीं रहा है कि ये ईयर रिंग है, इतने प्यारे लग रहे हैं 162 रुपीज़ के हिसाब से। बहुत अच्छी फिनिशिंग है, कलर भी बहुत सही ब्राउन कलर का, और मेरे इस अटायर पे बिल्कुल जाएगा भी, क्योंकि मैं कुछ ऐसे से ही अपना बॉटम पहन के बैठी हूँ। और एक पहन के मैं आपको दिखाऊं, मैं वैसे इतने बच्चों वाले इयररिंग्स पहनती बिल्कुल भी नहीं हूँ ऐसे कान में टेडी बेयर, लेकिन आप लोगों के लिए मंगाया मैंने कि फॉर अ चेंज कभी फोटोशूट में मैं ऐसे टेडी बेयर पहन के बैठ जाऊँ। वैसे मुझे कोई टेडी बेयर देता तो है नहीं, आज टेडी डे कब है, एक दो दिन में टेडी डे है गाइस, तो मैंने सोचा मैं खुद को एक टेडी बेयर गिफ्ट कर दूँ। कितना गंदा जोक था, आप देख सकते हो कैसा सही लग रहा है, बिल्कुल मेरे स्किन टोन जैसा लग रहा है कि पहना हुआ दिख ही नहीं रहा है, वाइट और बिल्कुल ही ब्लैक का लगा हुआ था तो दिखता भी सही है, क्यूट है, काफ़ी लड़कियां देख सकती हैं। और अगर लड़का एक आधा गलती से भी देख रहा है मेरी वीडियो तो आप अपनी गर्लफ्रेंड्स को ये वाला टेडी बेयर गिफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइज, नेक्स्ट जो हमारे ईयर रिंग्स हैं वो मैंने कानों में तो पहने हुए हैं, पिक्चर में भी देख सकते हो, सेम बिल्कुल सेम पिक्चर से मैच कर सकते हो, कितना डिट्टो सेम ये ईयर रिंग है। 195 रुपीज़ का ये हार्ट शेप का ईयर रिंग है, इतना क्लासी रेट्रो वाइब्स का हाई एंड वाइट कलर का ये है, जैसा लिखा एग्जैक्टली वैसे ही, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे इस आउटफिट के साथ ये ईयर रिंग्स इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, मतलब बहुत क्लासी। आप पास से भी देखो कि कितना ज़्यादा सुंदर, एक मार्बल टाइप के कुछ इसमें टेक्स्चर आ रहे हैं, वो बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे रेजिन का बना हुआ हो ये, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये गोल्डन लाइनिंग है साइड में, देखो कुछ ऐसा लगेगा। नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट हमारा बहुत ही क्यूट ईयर रिंग है, 238 रुपीज़ का, पिक्चर में देख सकते हो, मुझे तो पता नहीं ऐसा सेम आएगा कि नहीं आएगा गाइज, लेकिन बिल्कुल डिट्टो सेम ईयर रिंग आया। आप देखो जैसा नेम है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैसे ही है, कि ऊपर एक पहले हार्ट शेप का है, उसमें साइड में राइनस्टोन लगे हुए हैं, और नीचे बो बनी हुई है वाइट कलर की, देख सकते हो कितने सुंदर रिबन की बो है, और काफ़ी प्यारा लग रहा है ये पहना हुआ। आई नो बो थोड़ी अभी टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है, क्योंकि जिस हिसाब से पैक हो के है उस वजह से बो थोड़ी ऐसी होगी, लेकिन आप उसको पूरा खींच के खोल के सही कर सकते हो। और आजकल वैसे भी ये बो वाली चीज़ें कितनी ज़्यादा ट्रेंड में, मतलब ये रिबन कितने ट्रेंड में बालों में लगा रहे हैं, तो मैंने सोचा यार ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडी होने वाला है, और मैं इतनी खुश हूँ कि सब कुछ मुझे मीशो पर मिला, वो भी इतने ट्रेंडी ईयर रिंग्स, देखो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे पहनने के बाद, परफेक्टली बो जब आ जाएगी क्रीज में, अभी तो बहुत ख़राब हो रखी है, दोनों बिल्कुल सेम और अच्छे लग रहे हैं, 240 के हिसाब से काफ़ी सुंदर है गाइस। सामने से देखने में तो ऐसा लगा पता नहीं मैंने क्या पहना है, लेकिन कोई साइड से देखेगा तो समझ पाएगा कि बहुत ही क्यूट बो वाले ये ईयर रिंग्स है, लेकिन ये उतने जस्टिस नहीं कर रहे जितने हाथ में पकड़ के सुंदर लग रहे हैं, लेकिन कान में पहनने का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। आपको सही लग रहे हैं ये पहने हुए, या कुछ ऐसा लग रहा है कान में क्या खिचड़ी सी मैंने पहन ली हो, देखो ज़रा
प्लीज कमेंट में बताना ये बो वाले इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं। थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ, नेक्स्ट दिखाती हूँ। गाइस नेक्स्ट भी हमारे बहुत ही प्यारे सेफ्टी पिन वाले लव इयररिंग्स हैं, आप देख सकते हो 234 रुपीज के ये इयररिंग्स हैं। मुझे तो काफी बड़ी सी सेफ्टी पिन आएगी, ऐसा ग्रीन कलर का हार्ट लगा हुआ होगा। आई तो है सेफ्टी पिन लेकिन साइज में काफी ज्यादा छोटी आई है। आप देखो कितनी छोटी सी सेफ्टी पिन है ये, गोल्डन कलर की और नीचे ऐसे ग्रीन हार्ट लगा हुआ है, पूरा ऐसे राइनस्टोन लगे हुए हैं और काफी क्वालिटी वाइज तो काफी ये ठीक लग रही है मुझे। ठीक है अब मैं पहन के दिखाती हूँ। तो पहनने के बाद ऐसी लग रही है जो काफी ज्यादा क्यूट लग रही है, मतलब छोटी सी, डिटेलिंग्स बहुत ज्यादा अच्छी है इसकी, क्लियरली पता चल रहा है कि हाँ मैंने कुछ ऐसा सेफ्टी पिन टाइप का पहना हुआ है, नीचे हार्ट लगा हुआ है, मतलब जो पिक्चर में दिखाया है एग्जैक्टली वैसा ही आया, तो पूरा जस्टिस हो रहा है। बहुत क्यूट लग रहा है मुझे इयररिंग्स और पूरे कोरियन तो है ही गाइस। मैं बहुत खुश हो रही हूँ आज के हॉल में, सब कुछ इतना अच्छा क्यूट क्यूट सामान मिल रहा है मुझे, अच्छा है। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारे ये वाले इयररिंग, इसका नाम है वेस्टर्न स्टाइलिश ब्यूटीफुल प्रिंसेस हूप सिल्वर ब्लैक हार्ट इयररिंग्स, 209 रुपए के। आप देख सकते हो वो स्टाइल है बाली है और उसमें ना ऐसे हार्ट्स टंगे हुए हैं छोटे से बड़े पैटर्न में, जो पिक्चर में दिखाया है। जो आया है वो समहाउ सेम है क्योंकि मैंने कान में पहना तो है, लेकिन देखो आप ये लग कैसा रहा है, उतने छोटे से बड़े इसमें हार्ट्स हैं। ये ना मेरे हाथ में देखो क्लियरली विजिबल हो रहे हैं, ये छोटे से बड़े हार्ट्स इसमें लगे हुए हैं। ठीक है और ये पूरी ऐसे बाली स्टाइल में ये खुलेगी और आपको ऐसे पहनना है। अब क्या है मेरा ये वाला पीस तो खुल ही नहीं रहा है ना इधर से ना कहीं से, मतलब मैंने बहुत कोशिश कर ली, ये वाला तो पीस ही नहीं खुल रहा है, एक ही पीस खुला है वाला, तो मैंने ये पहन के दिखा दिया। इसमें भी क्या डिफेक्ट आया मेरे में, फ्रंट वाली चेन में आपको दिखेगा कुछ हार्ट वगैरह टंगा ही नहीं है, बस खाली चेन ही टंगी हुई है। तो मेरे 209 रुपये तो गाइज वेस्ट गए क्योंकि इसमें हार्ट नहीं और ये खुल नहीं रहा है, वरना तो पिक्चर में देखने में ठीक लग रहा था, सोच समझ के मंगाना, क्या पता मेरे ही पीस में थोड़ा डिफेक्ट हो। नेक्स्ट दिखाती हूँ। अब कुछ मैं आपको नेक पीसेस दिखाऊंगी, आप पहले पिक्चर में देखो ये ब्लैक कलर के, इसमें कितना सही दिख रहा है। ये 180 रुपीस की है, इसमें मल्टी लेयर बटरफ्लाई नेकलेस लिखा हुआ है और जब ये मुझे रिसीव हुआ ना तो गाइज मैंने देखा मल्टी लेयर में क्या होता है, एक सिंगल चेन में ही दोनों चीज होती है। मैं खुश इस बात से हुई कि गाइज ये दो डिफरेंट चेन में आए, कितना सही है, जब मुझे वेयर करना हो मैं ये वाला वेयर कर लूँ, कब मुझे बटरफ्लाई पहननी हो मैं ये पहन लूँ, और जब मैं चाहूँ तो मैं दोनों को क्लब करके भी साथ में पहन सकती हूँ, तो ऐसा लुक आएगा। तो सिल्वर चेन तो आप देख सकते हो कैसी इसकी सिल्वर चेन है, ठीक है पास से आप देख सकते हो क्या चेन रहेगी इसकी। अब मैं आपको दोनों दिखाऊं, ये तो है हमारी बटरफ्लाई, ठीक है बटरफ्लाई आपने देख ली कैसी है, बिल्कुल सिंपल बटरफ्लाई रहेगी ये हमारी। अब मैं आपको दिखाऊं इसमें भी क्या चीज़ है, जैसा बिल्कुल पिक्चर में दिखाया है एक क्रॉस बना हुआ और बाकी ऐसी चेन्स हैं, ऐसी चेन्स रहेगी। तो ये आप साथ में भी पहन सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग करके भी पहन सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल बना के पहन सकते हो। मैंने टॉप अभी ऐसा पहना है कि कुछ क्लियरली दिखेगा ही नहीं क्योंकि गले पे ही बिल्कुल ये ट्विस्ट आ रहा है, वरना आप देख सकते हो कुछ ऐसा लगेगा। काफ़ी सही, ऐसी चेन्स बहुत यूज़ में आ जाती है जब भी कुछ हाई नेक पहनो, ड्रेस वगैरह पहनो, सही है। तो मुझे दोनों काफ़ी अच्छी लगी। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारी चेन है वो है ये डबल लेयर चेन है, आप देख सकते हो ये नेकलेस बहुत प्यारा सा लग रहा है, ऊपर सिंगल आ रहा है नीचे डबल हो जा रहा है, बड़ी और छोटी बटरफ्लाई बनी हुई है, ये सिल्वर कलर की है। और मैंने जो एक मिस्टेक कर दी है वो ये मिस्टेक की है कि मैंने ये सिल्वर और गोल्डन दोनों कलर में मंगा ली है, और अब जब मैं पिक्चर्स देख रही हूँ मैं कह यार ये सिल्वर में भी गोल्डन में, तब मैंने देखा कि सिल्वर गोल्डन दोनों है, तो मैंने पूरा ऐसे सजा लिया है। आप देख सकते हो कि ये ऊपर से ही कैसे यहाँ से ही दो अलग चेन्स हैं जो यहाँ पर आके ज्वाइंट हुई हुई हैं, एक बड़ी बटरफ्लाई एक छोटी बटरफ्लाई है, ये है गोल्डन कलर में ये है सिल्वर कलर में, सेम वही स्टाइल है और दोनों काफ़ी अच्छी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा शाइन मारे, वही मान सकते हो 160 रुपीज़ के हिसाब से आपको ये मिलेगा। काफ़ी अच्छी हैं दोनों चेन, आप देख सकते हो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही लाइट वेट है। तो ये तो रही दोनों, मेरी जैसे मिस्टेक आप मत करना, सोच समझ के ऑर्डर लगाना। तो चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ। कोरियन इयररिंग्स हो गए, कोरियन चेन हो गई, मैं रिंग्स कैसे भूल सकती हूँ गाइज। ये है पिक्चर में आप देख सकते हो, बहुत ही क्यूट ऐसा पूरा सेट था ये, बटरफ्लाई बनी है, स्माइली बना है, वाइट कलर का मैंने लिया है, इसमें दो कलर के ऑप्शन और रेड पिंक एंड ग्रीन। ये 242 रुपीस की है, जो ये आई है ये लगी है आपके सामने, दो तो बिल्कुल वाइट आई है, बाकी ये चार आई हैं पूरे गोल्डन में आई है। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बस बात ये थी कि इसमें ना साइज लिखा हुआ ही नहीं था, तो एक सिंपल एक सिंगल साइज है उसी में मंगाई है। अब मैं पहन के भी दिखा देती हूँ आपको कि मुझे लगता है स्माइली मेरे थम वाले में भी देखो कितनी ढीली आ रही है। अब बटरफ्लाई कहाँ आती है, बटरफ्लाई यहाँ आई है, कुछ भी कहीं भी आपको पहनने होता है मिसलेनियस आप कहीं भी कुछ भी पहन सकते हो, लेकिन मुझे रिंग्स बहुत ज़्यादा लूज़ हैं आप देखो,
ये कुछ ऐसी लगेंगी रिंग्स, जो नहीं होता कुछ भी कलर कॉम्बिनेशंस, बहुत सारी मल्टीपल रिंग्स पहनते हैं, ये वैसी लगेंगी और ठीक लग रही है। वैसे तो मुझे रिंग्स में कोई कमी नहीं है, मेरे हाथों में कमी है कि मेरी उंगलियां बहुत पतली हैं तो ये बहुत लूज़ हैं मुझे हर तरफ से, वरना वैसे तो ये बहुत क्यूट रिंग्स हैं। 250 रुपये में आपको इतनी सारी रिंग्स मिल रही हैं, काफ़ी क्यूट है ये कलेक्शन, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसे लग रहा है मैं H&M के रिंग्स देख रही हूँ, वो इतनी महंगी आती हैं और उसके कंपेरिजन में ये बहुत सस्ती हैं। देख सकते हो आप ये रिंग्स, अगर आपकी उंगलियाँ थोड़ी मोटी हैं तो ज़्यादा सुंदर लगेंगी, मेरी तो बहुत किक्कड़ सी हैं। चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ। क्या आप भी मेरे तरह चश्मे लगाते हो तो ये घड़ी आ गई है हम सारे चश्मिश लोगों के लिए। ये अंगूठी आप देखो ज़रा, ये कितनी क्यूट लग रही है, स्मॉल ग्लासेस रिंग, 164 रुपीज के रिंग है और ये मुझे इस डब्बे में रखी हुई आई है। जब मैंने इसको देखा, इस लुल्लू पुंजू को, ये इतनी क्यूट चश्मे वाली रिंग है ना यार, मतलब आप अपने चश्मे दोस्तों को, लड़का हो या लड़की, आप उसको ये गिफ्ट कर सकते हो। देखो कितना छोटा क्यूट सा चश्मा बना हुआ है, ये बिल्कुल चश्मा है, देखो पीछे से ऐसे ओपन है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ये ग्लास लगे हुए हैं, और जो कोई भी आपका चश्मे वाला दोस्त है आप उसे दे सकते हो। आप देखो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैंने हाथ में चश्मा पहना हुआ है, मैं जैसे जो जन्म मैं हूँ जन्मजात चश्मिश, कोई बोलते नहीं एक दूसरे को छेड़ते हैं ना कि भाई चश्मिश चश्मिश है, तो उसको आप ये दे सकते हो। देखो कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है, गिफ्ट देने में ऐसे क्यूट सी रिंग काफ़ी सही है और रेट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ऐसे फोटो जब भी जूम हाथ पे आएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई चश्मे वाली अंगूठी पहनी इसने, है ना क्यूट। प्लीज़ अगर हॉल पसंद आ रहा होगा ना तो कमेंट्स में लिख देना कि बहुत क्यूट स्टफ है, मुझे तो क्यूट बोलते नहीं हो, इन्हीं को सामान को ही क्यूट बोल दो। नेक्स्ट दिखाती हूँ। बहुत हो गए कान के, गले के, हाथ के, अब कुछ बची कुची हेयर एक्सेसरीज पे भी आ जाती हूँ। गाइज ये क्लिप थी, आप देख सकते हो 10 पीसेस का था, नॉन स्लिप हेयर क्लिप्स, ये 132 रुपीज की थी, ऐसे स्टार स्टार्स वाली क्लिप, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो गाइज ये आया है इसका पैक, आप देख सकते हो इसके कलर्स कितने प्यारे पेस्टल से इसके कलर हैं और क्यूट से स्टार्स बने हुए हैं। है तो बच्चों वाली क्लिप लेकिन लड़कियां भी आजकल इसको लगा रही हैं, तो जो भी आपने ड्रेस पहनी है उसके मैचिंग का आप इजीली इसको लगा सकते हो। और बहुत बहुत ही छोटे बाल चाहिए इसको लगाने के लिए, मतलब ये बड़े बालों में, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे बालों में ऐसे टिकटॉक वर्क नहीं करता है इसका, ये ऐसे लगेंगी स्टार्स। कोई भी कलर की ड्रेस पहने हो, कुछ भी पहनो, तो आप ऐसे लगा सकते हो, बिल्कुल बच्चे बन सकते हो। क्वालिटी इज़ नाइस, ओके, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। देख सकते हो ये इतना, बस ये इतना ज़रा सा खुल रहा है, देखो इतना ज़रा सा हेयर आएंगे और ये बंद हो गया, देख सकते हो क्यूट है ना काफ़ी। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारी 14 पीस के सेट की क्लिप हैं, कलरफुल, आप देख सकते हो ये 151 रुपीज़ की हैं। अब मुझे नहीं पता था कैसे आएंगी, रैंडम आएंगी क्या आएंगी, तो मैंने तो बस ऑर्डर कर दिया था एंड मुझे रैंडमली मिली हैं। पिंक कलर जो मुझे इतना पसंद नहीं है, और दूसरा जो कलर मिला है वो सी ग्रीन कलर, जो मेरे इस क्वेश्चन से बिल्कुल मैच हो रहा है। तो ये 14 क्लिप्स का सेट मिला है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक में 7 है, दूसरे में 7 है, तो 14 हो गई हैं। आप देख सकते हो अलग अलग तरीके की क्लिप्स हैं, काफ़ी बार ड्रेस के साथ मैचिंग की भी अच्छी लगती हैं। तो ये वाली पूरी एलिगेटर क्लिप्स टाइप की हैं, ये टिक टाक हो गई, तो ये है पूरा सेट, काफ़ी क्यूट है। आप अपने कुछ छोटे फ्रेंड्स, बच्चों को भी गिफ्ट कर सकते हो, नहीं तो आप भी खुद यूज़ कर सकते हो, इतनी बुरी नहीं है। आप देखो ऐसी लगी हुई, छी बच्ची लग रही हूँ मैं तो इंस्टेंट इसको लगा के, और ऐसे लग रहा है कपड़े सुखाने वाली क्लिप लग रही है। गाइस ये तो कपड़े सुखाने वाली क्लिप लग रही है, रुक जाओ थोड़ा कुछ दूसरा लगाती हूँ, शायद मैं क्यूट लगूँ। मम्मी आइसक्रीम खानी है, पिंक कलर की आइसक्रीम, पिंक कलर के शूज, पिंक कलर का ये, पिंक कलर का वो, ऐसी लगेगी। बच्चों की क्लिप्स है यार, लेकिन मैंने फिर भी दिखा दिया, कोरियन में बड़ी बड़ी लड़कियों ने भी लगा रखी थी, आप देख सकते हो। चलो बहुत बोल लिया, अब इस हॉल का लास्ट प्रोडक्ट भी दिखाती हूँ। इस हॉल का लास्ट है सिल्वर गर्ल शेप का राइनस्टोन का हेयर क्लिप क्लचर, जो 211 रुपये का। यार कितना सुंदर क्लचर लग रहा था, तो मैं अभी आपको बिल्कुल उसी स्टाइल में दिखाती हूँ जैसा उसने पकड़ रखा था। कि गाइस ये बिल्कुल एक फेरी बनी हुई है बैठी हुई, और ये उसके विंग्स हैं, अब आप समझ पाओ तो ये है उसकी टांग वन टांग टू, ये बैठी हुई है और ये इसके विंग्स हैं, और ये बिल्कुल ऐसे खुलता है। ये है क्यूट सा क्लचर और बहुत अच्छी ग्रिप है इसकी, मैं लगा के भी दिखाती हूँ, मतलब मम्मी को बहुत अच्छा लगा था। कई बार क्या होता है मैं कुछ ड्रेसेस पे क्लचर लगाती हूँ तो वो क्लचर्स अच्छे नहीं लगते, लेकिन आप ये क्लचर देखो कितना ज़्यादा
सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, पूरा राइनस्टोन भी लगे हुए, फैंसी लग रहा है, सिंपल से हटके कुछ क्लचर लग रहा है, जिसकी ग्रिप भी बहुत ज़्यादा टाइट वाली है, लूज नहीं है, जिसका बेस्ट पार्ट है। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, आई होप आपको भी अच्छा और क्यूट लगा होगा। सो गाइज दैट्स इट, ये था मेरा आज का क्यूट सा कोरियन ज्वेलरीज का हॉल फ्रॉम मीशो। आई होप आपको ये हॉल अच्छा लगा होगा, आज के पीसेस बहुत क्यूट लगे होंगे आपको, कुछ अच्छा लगा मिल गया होगा खरीदने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ, मुझे माफ़ करना, आधी रात हो गई, मुझे भी नींद आ रही है, मेरे कैमरामैन को भी नींद आ रही है और बहुत लोगों को यहाँ बैठे हुए नींद आ रही है। तो बस हमें यह कि हम जल्दी जल्दी ख़त्म करके सोएं। तो प्लीज़ भर भर के लाइक कमेंट डाल देना और क्या बेस्ट लगा वो भी बता देना, जितने मैंने क्वेश्चन पूछे उसके सबके आंसर दे देना। मैं इसी तरह रेगुलर टच वुड, यार खुद की नज़र लग जाते हैं, वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी, बस ऐसे ही भर भर के मेरी वीडियोस को प्यार देते रहिए। मैं आपको थोड़ा बहुत वीडियो के बीच बीच में एंटरटेन भी करती रहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती तो प्लीज़ भर भर के लाइक करो, कमेंट करो और मेरी वीडियोस को शेयर भी कर दिया करो। तो गाइज बस ऐसे ही मैं जल्द ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, बाय बाय, आई लव या। मैं कोरियन नींद लूँगी आज, टाटा।